नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरदत्त, इस खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। आकाशगंगा के बीचों बीच स्थित सबसे पुराने ब्लैक होल का पता चला है। यह ब्रह्मांड की शुरुआत के समय का है। इसकी उम्र लगभग 13 अरब वर्ष है। खगोलविदों ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसका पता लगाया है। बिग बैंग निर्माण के 44 करोड़ साल बाद ही यह एक आकाशगंगा के केंद्र में था। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 लाख गुना है। हालांकि खगोलविदों ने अभी इसे कोई नाम नहीं दिया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान और खूबसूरती की मिसाल ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे कई भारतीय हस्तियों को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड के ही एक और दिग्गज अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दी है, जिसमें वो इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व धुरंधर ऑलराउंडर युवराज सिंह आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। स्टार ऑलराउंडर का जन्म आज ही के दिन 12 दिसंबर साल 1981 में चंडीगढ़ में हुआ था। फैंस युवराज को प्यार से युवी उपनाम से भी पुकारते हैं। मैदान में वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। इसके अलावा पार्ट टाइम स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज भी थे। युवराज के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज है। ब्लू टीम के लिए उन्होंने जब तक शिरकत की तब तक अपने उम्दा खेल की वजह से लोगों के दिलों पर छाए रहे। भारतीय निवेशकों का भरोसा स्मॉल कैप फंड्स पर बढ़ा जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों से इस बारे में जानकारी मिली है। मजबूत सतत शुद्ध प्रवाह और अनुकूल बाजार परिस्थितियों की वजह से नवंबर के अंत में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड श्रेणी का परिसंपत्ति आधार 69% की सालाना वृद्धि के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। म्यूचुअल फंड कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन एमफी के आंकड़ों से पता चलता है कि मासिक आधार पर छोटी कंपनियों में निवेश करने वाले इस कोष श्रेणी का प्रबंधन अधीन संपत्तियां 10% बढ़कर 1.99 लाख करोड़ रुपए हो गई है। गूगल पॉडकास्ट को 2016 में गूगल लिसन और गूगल प्ले म्यूजिक पॉडकास्ट के विकल्प के तौर पर लॉन्च किया गया था। कंपनी ने अब इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। दरअसल कंपनी यूट्यूब म्यूजिक पॉडकास्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है और इसलिए गूगल अप्रैल 2024 में आधिकारिक तौर पर अपने स्टैंड अलोन पॉडकास्ट ऐप को बंद कर देगा। यूजर्स जुलाई 2024 तक अपने सब्सक्रिप्शन को यूट्यूब पर ट्रांसफर कर सकेंगे या अपने पॉडकास्ट को मैनुअल रूप से सेव और किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर सकेंगे। सियाचिन योद्धाओं की कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने एक्सपर्ट एक पोस्ट में कहा, उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के बाद 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पद पर शामिल किया गया था, जो उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाता है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूर कोर ने कैप्टन फातिमा वसीम की उपलब्धि को उजागर करने और उसका जश्न मनाने के लिए पोस्ट में एक वीडियो भी अपलोड किया। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा भी कर दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। कर्नाटक में से दोबारा लागू करने की बात चल रही है। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है। सोमवार को जारी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24 में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ बुधवार को खुलेगा और शुक्रवार को इसकी बिडिंग बंद हो जाएगी। इस 1200 करोड़ रुपए के आईपीओ का प्राइस बैंड 469 से 493 रुपए के बीच तय कर दिया गया है। कंपनी लॉट में 30 शेयर रखे हैं, इसलिए आपको इसमें निवेश के लिए कम से कम 14,790 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने भी इसे आईपीओ में निवेश करने का मन बना लिया है तो इन 10 चीजों पर जरूर ध्यान दें ताकि आपको ध्यान से ज्यादा मुनाफा हो सके। IBPS RRB 12 भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट तथा ऑफिसर के कुल 8600 से अधिक पदों पर भर्ती के अंतर्गत ऑफिसर पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है। ऐसे में उम्मीदवार IBPS.in पर जाकर नतीजों को देख सकते हैं। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने लगभग 50% मेडिकल कॉलेजों को उनके द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि NMC मानकों का पालन नहीं करने पर भारत के आधे मेडिकल कॉलेज मान्यता खो सकते हैं। 350 मेडिकल कॉलेज, 197 सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों ने कहा, अगर कॉलेज गलती नहीं सुधारेंगे तो इन कॉलेजों में प्रवेश 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। भारत T20 में दक्षिण अफ्रीका के हाथों बीते 5 वर्षों से कोई सीरीज नहीं हारा है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल चुका और अब सिर्फ 2 मैच बचे हैं। भारत के सामने सिर्फ सीरीज जीतने की चुनौती नहीं है बल्कि अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप से पहले उससे सिर्फ 5 T20 मैच खेलने हैं। इन्हीं 5 T20 के दम पर भारत को विश्व कप के लिए अपनी टीम चुननी है।
में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। स्कूलों के साथ साथ राज्य के कॉलेजों में भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए शिक्षा विभाग कोशिश में लगी है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में मानदेय के आधार पर प्रोफेसर और लेक्चरर रखने की योजना बनाई है। बिहार के कॉलेजों में पढ़ाने के लिए अब एजेंसी के जरिए प्रोफेसर और लेक्चरर लिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी कुलपतियों को पत्र भेजा है। यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और हवाई यात्रा पर जाने वाले हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब तमाम भारतीय एयरलाइन कुछ शर्तों के साथ छात्रों को एयर फेयर में छूट उपलब्ध करा रहे हैं। छात्रों को मिलने वाली छूट एयरलाइन के अनुसार अलग अलग है। जैसे इंडिगो एयरलाइन छात्रों को एयर फेयर में 6% तो स्पाइस जेट 10% तक की छूट उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, लगभग सभी एयरलाइन छात्रों को 10 किलो तक एक्स्ट्रा बैग अलाउंस भी दे रही है। सर्दियां शुरू होते ही भारत के दिल्ली मुंबई समेत कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। चीन के शहर करीब 6 साल पहले दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित थे। साल 2017 में एयर क्वालिटी ट्रैकर AQR में दुनिया के सबसे खराब एयर क्वालिटी के शहरों की लिस्ट में 75 शहर चीन और भारत के 17 शहर थे। हालांकि 6 साल बाद यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। साल 2022 में 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 65 और चीन के सिर्फ 16 थे। चीन ने गाड़ियों और कोल पावर प्लांट की संख्या कम कर स्थिति में सुधार किया। AQR की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर से पहले के 30 दिनों में दिल्ली में PM2.5 का औसत स्तर बीजिंग से 14 गुना ज्यादा रहा था। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ई श्रम योजना शुरू की है। इसके लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है, जो श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनवाना होता है। इस कार्ड को बनवाने के बाद मजदूरों को कई बेनिफिट मिलते हैं। इनमें 60 वर्ष के बाद पेंशन, बीमा और अक्षम होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। IT क्षेत्र के दिग्गज कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के CFO निलांजन रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे से हड़कंप मच गया है और अमेरिका शेयर बाजार में इंफोसिस के शेयर 3% टूट गया है। निलांजन इंफोसिस में 2018 से CFO के रूप में सेवा दे रहे थे। वह 31 मार्च 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। निलांजन की जगह कंपनी ने जयेश संघाराजका को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। संघाराजका इस कंपनी में कार्यकारी उपाध्यक्ष और उप मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। संघराज 1 अप्रैल 2024 से CFO का पद संभालेंगे। कार्यस्थल संस्कृति के मामले में भारत अग्रणी देश के रूप में उभरा है। ज्यादातर श्रमिक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्राथमिक कारक मानते हैं। HSHRM द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अगर कार्यस्थल पर कामकाज की संस्कृति अच्छी हो तो 64% कर्मचारियों के रुकने की संभावना है, जो वैश्विक औसत 37% से कहीं अधिक है। भारत में शादियों का सीजन खत्म होने के साथ ही सोने चांदी की कीमत एक बार फिर से टूटने लगी है। मंगलवार को भी सोने चांदी की कीमतों में कमी आई है। गुटरी एंटर्स वेबसाइट के अनुसार मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 24 कैरेट सोने की कीमत में 220 रुपए की गिरावट आई। इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 62,130 रुपए हो गई, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपए की गिरावट आई। इसके बाद 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 56,950 रुपए हो गई। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जनवरी 2024 तक स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। रेलवे ने पहले से चलाई जा रही 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना दानापुर से हैदराबाद, सिकंदराबाद और बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से पाटलिपुत्र के रास्ते 4 नई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी होगा। पटना से थावे के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन भी बढ़ा दिया गया है। बिहार में अगले 3 से 4 दिन पछुआ तेज हो जाने के आसार है। इसकी वजह से राज्य के उच्चतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होने की संभावना है। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तापमान में यह गिरावट सर्द पछुआ की गति बढ़ने से होगी। अभी 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ चल रहा है, जबकि मंगलवार को पछुआ की गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। इस परिदृश्य में रात की तरह दिन में भी ठंड महसूस होगी। कल से पटना में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 शुरू हो रही है। 13-14 दिसंबर को होने वाले दूसरे दिन यानी 14 दिसंबर को बिहार में 32,250 करोड़ के निवेश पर 263 कंपनियों द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में 11 ऐसी कंपनियां MOU पर हस्ताक्षर करेगी जो राज्य में 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 दिसंबर को एक पाली में हुई शिक्षक भर्ती के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों के लिए लिखित की सीरीज ए की आंसर की जारी कर दी है। ऐसे में किसी अभ्यर्थी को TRE 2 की प्रोविजनल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो वह डैशबोर्ड पर 12 दिसंबर 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉग इन कर आपत्ति साक्ष्य के साथ अपलोड करे। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को उन परिवारों से माफी मांगी जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने प्रियजनों को खो दिया। इसी के साथ उन्होंने सप्ताह शुरू हुई सार्वजनिक जांच में अपनी ओर से सबूत पेश किए। इसे अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की उनकी रवांडा नीति पर संसद में होने वाले मतदान में संभावित विद्रोह को रोकने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक्स में पहला नाम चंद्रयान 3 मिशन का है, जिसे लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा। इसके बाद दूसरा टॉपिक कर्नाटक चुनाव रिजल्ट है, जो कि इस साल गूगल ट्रेंड में रहा। तीसरे इवेंट की बात करें तो ये इजराइल हमास युद्ध है, जिसे लोगों ने खूब सर्च किया। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में क्रमशः सतीश कौशिक, बजट 2023, तुर्की भूकंप और अतीक अहमद है। यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के दम पर नवंबर में घरेलू यात्री वाहन थोक बिक्री में सालाना आधार पर 4% की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनियों से डीलरों को यात्री वाहनों की आपूर्ति नवंबर में बढ़कर 3,34,130 इकाई हो गई। यह नवंबर महीने का अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा है। पिछले साल इसी महीने में 3,22,268 इकाइयों की आपूर्ति की गई थी। दो पहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 31% बढ़कर 16,23,399 हो गई है, जो नवंबर 2022 में 12,36,282 इकाई थी। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और विदेशी कोषों के सतत प्रवाह के बीच घरेलू बाजारों में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में तेजी रही। वहीं निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयर वाला सूचकांक सेंसेक्स 96.15 अंक चढ़कर 70,024.68 पर पहुंच गया। निफ्टी 34.40 अंक उछलकर 21,31.50 के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए नई सुविधाएं पेश की है, जिसका उपयोग मोबाइल पर मेट्रो टिकट, बस बुकिंग और बिजली बिल जमा करने के लिए किया जा सकता है। इसके माध्यम से यूजर्स बड़ी सरलता से विभिन्न सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पैन या ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी को प्राप्त करना। दरअसल व्हाट्सएप पर कई सरकारी चैटबॉट मौजूद है, जो यूजर्स को अलग अलग सुविधाएं देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति के मेधावियों को मेडल प्रदान की। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित संस्थान के इस दूसरे दीक्षांत समारोह में उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान होने के बाद अब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों राज्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 11:30 बजे मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को 4 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, जहां विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहद लकी रहा है। साल की शुरुआत में एक्टर की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं साल के मिड में शाहरुख खान की जवान भी मेगा ब्लॉकबस्टर रही और अब साल के एंड में किंग खान की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म के रिलीज से कुछ दिन पहले एक बार फिर शाहरुख खान माता वैष्णो देवी के दर पर माथा टेकने पहुंचे। उन्हें मंगलवार यानी आज सुबह देवी माँ के दरबार में देखा गया था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शाहरुख खान काले चश्मे और उसी कलर की हुड वाली जैकेट के साथ अपनी पहचान छिपाते हुए देखे गए। हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है अनवर करीम खान, विजेंद्र सिंह, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि शंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बॉलीवुड में आपके पसंदीदा अभिनेता कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।